देख रहे हैं आप कैसे बीच सड़क ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की जा रही है और तो और राजा भैया जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। गजब का भौकाल है राजा भैया का, तो भैया उनके समर्थक और फैंस कहाँ पीछे रहने वाले हैं? आप भी जरा इस वीडियो को देख ही लीजिए। बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इलाके में हो रही हर्ष फायरिंग का है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राइफल से ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की गई। वहीं इससे पहले पीके शंकर जी की बूटी गाने पर मस्ती में लोग झूम रहे थे, फिर डीजे ने गाना बदला और के ओ माई के लाल कुंडा में कुंडी लगाई। ये गाना शुरू हुआ तो एक शख्स जोश में आ गया, जिसके बाद तो इन्हें कानून का कोई डर न रहा और शख्स ने राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वायरल वीडियो मणिकापुर के करेंटी का बताया जा रहा है। कुंडा में कुंडी लगाई इस गाने को सुनकर राजा भैया के समर्थकों के जोश बढ़ने की वजह समझने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बता दें कि जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंडा में अपने प्रत्याशी गुलशन यादव के लिए रैली की थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा के लोगों ने ठान लिया है इस बार कुंडा में कुंडी लगानी है। शीशे तोड़ने से हौसले नहीं तोड़े जा सकते, कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा कि धरती पर अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा दे। उन्होंने कहा था कि सात पीढ़ी लगाने के बाद भी कुंडा को कुंडी नहीं लगाई जा सकती। चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बयान काफी चर्चा में रहे। वहीं जब चुनाव के परिणाम सामने आए तो राजा भैया ने जीत हासिल की, लेकिन राजा भैया के समर्थक अभी तक उनके कुंडी वाले बयान को थामे बैठे और अब तो उनका गाना भी बजता और कानून को ताक पर रख दिया जाता है। वहीं इस मामले में अभी फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। इस मामले में अभी पुलिस के अधिकारियों ने भी चुप्पी साधी हुई है। खैर, हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो खूब वायरल है।